धन धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज 83वां शब्द बख्शिश कर रहे हैं। 46 अंग दे अखीर ते जाके श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी ते सच स्या मरै ना आवै जाए। जेड़े रब दे प्यारे ने सेवक ने उन्हां दी जेड़ी प्रीति है वह सच स्वरूप परमात्मा दे नाल लग गई है। जो जम के आउंदा नहीं अते मर के जाता नहीं। परमात्मा ना जन्मदा ना मरदा। इस तरह जेड़ा प्रीति पाउण वाला जीव है वह भी जन्म अते मरण तो रहत हो जाता है। इन्हां चक्करां चों भज दौड़ चों बार बार जिहड़ा संसार अंदर आके दुख तकलीफां नूं पाउणा है यह भी उहदा खत्म हो जाता। ना विछोड़िया विछड़ै सब मैं रहिया समाए। जे उहनूं किसे तरीके नाल विछोड़ना चाहिए तां विछड़दा नहीं, क्योंकि सारिआं विच इक सार ही व्यापक है। दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए। सत पाए हुंदा निश्चय करके। जिहड़ा है दीन गरीब लोग ने भाव निम्रता वाले ने जिन्हां दा कहिंदे संसार दे अंदर कोई भी नहीं हुंदा आसरा, उहनां दे दर्द नूं अते दुख नूं जिहड़ा कहिंदे ने मेरा मन बहुत दुखी होया है, बांह लत सिर विच दर्द होया, पेट विच दर्द। दर्द अक्खर शरीर लई वरत्या जांदा है, दुख मानसिक तौर ते हुंदा। सो महाराज कहिंदे ने गरीबां दे दर्द ते दुख नूं भंजना जिहड़ा भन्नण वाला है अते सेवकां दे जिहड़े दुखां नूं सत पाए बहुत प्रकार दे नाल सैकड़े प्रकार दे नाल सेवकां दे जिहड़े दुख ने उहनां नूं नाश करदा है। सतगुरु महाराज की कृपा सेवक ते हुंदी है। जदों उहदा कृपा रूप हथ सिर ते आ जांदा है, अभ्यास करदिआं सेवा करदिआं प्रेम करदिआं उदों सतगुरु की कृपा नाल दुखां की निवृत्ति हो जाती जीव की। अचरज रूप निरंजन गुरमेलाया माए। हे भाई, जिहड़ा अचरज रूप निरंजन माया कालख तो रहत अकाल पुरख है ना, उस अकाल पुरख नाल मैनू सतगुरु महाराज ने मिला दिता है। महाराज ने मिलाया है आपां नूं गुरमंत्र ते मूल मंत्र गुरबाणी दे नाल, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचण लई साधन है गुरमंत्र। जिहनूं याद करिए उही चीज सामने आ जांदी। वाहेगुरू वाहेगुरू कहण दे नाल वाहेगुरू की प्राप्ति हो जांदी। भाई रे मीत करो प्रभ सोए। महाराज फरमाउंदे ने हे भाई, तुसी भी उस अकाल पुरख नूं अपना मित्र समझो, मित्र बना लो। मित्र घनेरे कर थके मेरा दुख काटै कोई। इदां ते दुनिया दे अंदर बहुत मित्र बन सकदे ने, पर मित्र हुंदे ने इको जिहड़े खाण पीण दे मित्र हुंदे ने। मित्र सज्जण ओह हुंदे ने जिहड़े औखे वेले कम आ जाण। मित्र सज्जण दोस्त ओह हुंदे ने जिहड़े औखे वेले अपना सब कुछ वार देण साडे तों, पर साडे तों वारन वाला कोई मित्र दोस्त सज्जण नहीं है। सतगुरु ही साडे मित्र दोस्त सज्जण हन जो औखे वेले साडे नाल खड़े हुंदे ने। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोई रहाओ। संबंधियां दे मोह
ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਦਿਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਤ ਘਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, 8-10 ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਠ ਬੈਠਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਚੱਲੀਏ ਤੂੰ ਬਸ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਕਰ। ਖੜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੇਠ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮਕਾਨ, ਘਰ ਬਾਰ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਪੈਸਾ। ਉਹ ਸੇਠ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਇਉਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਸੇਠ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ ਮੂਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਭੁੱਖ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਹੈ ਪਰਮੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋਹੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੌਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਓ, ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤ ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦਾਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੀਲਵੰਤ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ। ਸਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਖਾ ਸਹਾਈ। ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਨਿਹਚਲ ਤਿਸ ਦਰਬਾਰ। ਬਾਲਕ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੁੱਢਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਬਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਲਕ, ਬੁੱਢਾ, ਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ।
पहुंचना भी कितों है, प्रगट ही होना हुंदा उन्हें। मौके ते सेवक की मदद करन लई किसी भी सरूप नूं धारण कर लैंदा, वैसे कोई रूप नहीं है। ये ध्यान रखना इस गल दा, आपां ने जो मंगी है सोई पाई है, निधारा आधार उहदे कोलों जो मंगी दा उही प्राप्त करीदा। वह न्यासरिया का आसरा है परमात्मा, जिस पेखत किल विख हिर है मन तन हो वै सांत। जिस वाहिगुरु के दर्शन कीतियां किल निश्चय करके विख ब्यो रूप जिहड़े पाप ने सारे ही दूर हो जाते ने, अते मन ते तन दे विच शांति प्राप्त होंदी, अजीब शांति, अगम्मी शांति कहिंदे ने इहनूं, जिहड़ी सिर्फ जे आ जावे तां ही पता लगदा। जिसनों आप मानते शांति वो होर चीज़ होंगी। ये शांति होंगी जिमें बहुत धार्मिक स्थान पर जिमें जाके बैठते हाँ, कहते एक अजीब जी शांति आई मन में, ठंड जी पै गई, टिकाओ जहा बन जाना। इस तरह की शांति, ठंड, टिकाओ, एकाग्रता का बनना होंगे परमात्मा दर्शनों नाल। वो प्रकाश स्वरूप दर्शन दिता है अपने। एक मन एक तिहाई है मन की लाहे भ्रांत। मन की जिहड़ी है ना भ्रांति, ये दूर करके एकागर मन हो के वाहिगुरु नूं ध्यौणा करिए। मन की जिहड़ी भ्रांत है, वहम भरम ने मन के अंदर पए हुए, इन्हां दी निवृत्ति करिए। तां महाराज कहिंदे ने फिर एक मन हो के जदों जपांगे भ्रांति लह जांदी है। गुण निधान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात। वाहिगुरु शुभ गुणा का खजाना है, सदा ही नवीन है, नवतन। अते जिस दी दात नूं संपूर्ण सारा ही संसार वरत रहा है, जी दी दात नाम दी दात जिहड़ी है शुभ गुणा नाल पूर्ण है, जी दी जिहड़ी दात है वह सदा ही पूर्ण है, किसी कोलों लिया पूरी नहीं पैंदी। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन कहो एक है भगवान, जिसकै दिया रह अघाए, बहर ना तृष्णा लागै आए। परमात्मा जे एक पैसा भी दे दे तां वह मुक्कण च ही नहीं आता, तो जे बंदियां कोलों भावें लखां लै लो तां भी मुक्क जांदे ने। परमात्मा दे दित्ते होए विच बरकत, जिवें गुरु नानक देव जी सच्चे शब्द की हट्टी ते बह के बरताउंदे सी लोगां नूं, वह मुकदा ही नहीं सी। जिन्हों एक बार गुरु नानक देव जी ने झोली च पाता, उन्होंने घरों हुण तक मुकया नहीं, उन्होंने कोलों विचों ही नहीं मुकया, क्योंकि वह गुरु नानक की दात है। सदा सदा आराधी है दिन विसरहो नहीं रात। महाराज सच्चे पातशाह आपां नूं हुक्म करदे ने उह सदा रूप परमात्मा नूं सदा ही रोज़ ही नित ही आराधना करिए, ना उन्हूं दिने भुलाओ ते ना रात नूं। रात दिन उहदा जाप करदे, हमेशा उठदे बैठदे, रात नूं अख खुल गई वाहिगुरू वाहिगुरू हमेशा याद करूं। उठ के तुरदे फिरदे आ, कोई किरिया करदे आ, वाहिगुरू वाहिगुरू करदे ध्यान ला के परमात्मा च फिर सौं जाओ जे सौना। सो इस तरह करन दे नाल हमेशा वाहिगुरू विच चित जोड़ी रखिए, जोड़ी रखिए, तां उहदे नाल साडा प्यार वधदा जांदा वधदा जांदा। जिन का पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद। जिन्हां दे मत्थे उपर पिछले ही पूर्वले जन्मां दे शुभ कर्मां दा लेख लिखिया होया ना, गोविंद परमेशर उन्हां दा मित्र बन गया। तन मन तन अर्पी सभो सगल वारिया ए जिंद। तन भी अपना मन धन सब कुछ अर्पणा करे परमात्मा नूं। सब तरह करके जिहड़ी जिंद है साडी, बुद्धि है, जिंदड़ी है, जान है, प्राण है, सारा कुछ उहदे तों वार देवे, क्योंकि उह परमात्मा व्यापक रूप विच है। देखै सुनै हदूर सद घट घट ब्रह्म अरविंद। वो जिहड़ा परमात्मा है ना सद, सद तो भाव श्रेष्ठ वाहिगुरू,
नित ही रोज ही हाजरा हजूर होके सारिआं नूं वेखदा है आपां नूं ते सब दीआं गल्लां सुणदा है। देखै सुणै हदूर सद वह ब्रह्म सब घटा घटा दे विच अरविंद तो भाव रविया होया है। उन्हूं इह नहीं हुंदा कि आपां उन्हूं स्पष्टीकरण कोई देना किसे गल दा, मैं तां कीता ही नहीं जी, मैनूं पता ही नहीं जी। वह तो अपने विच ही लीन है, अपने तो अलग भी नहीं है। आपां जीव हाँ जीव आत्मा, आत्मा तो उहदी ही चीज़ दित्ती हुई है, इस करके उहदे नालों साडा वखरेवा नहीं, सिर्फ साडे मन दे अंतर पाटक है एक वखरेवा पिया होया, उसे पर्दे नूं सिर्फ दूर करना। अकाल पुरख वाहिगुरु के मन च यह भी नहीं हुंदा कि बंदा मैनू निंदा जां इह कहिंदा रब है ही नहीं। सतगुरु महाराज कहिंदे ने किरत घणा नूं पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद, बख्शनहार वाहिगुरु किरत घणा नूं सदा ही पालदा है। जिहड़े लोग किरत घण हो जांदे ने, किसी के किए हुए परोपकार नूं भुला देंदे ने, जिवें हुण धरती उत्ते इस वक्त लोग अकिरत कण ज्यादा ने, वो लोग जिन्हां लई सतगुरां ने इन्नियां कुरबानियां कीतियां ने, वो कहिंदे महाराज ने साडे लई की कीता। इस करके लोग जिहड़े ने हौली हौली सृष्टि ते अकिरत कणता छा जांदी, पर परमात्मा उन्हां दी रोटी बंद नहीं करदे।